Hi friends, I'm Rajni from Divine Energy Healing Powers. Friends, thank you for liking, sharing, subscribing, viewing, watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. Friends, also follow me on Instagram and Facebook. Thank you so much, friends. Hi friends, I'm Rajni. You're watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. I'm Rajni Nursulekar. You're watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. Hi friends, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। और अभी पेंडेमिक एंडेमिक हो रहा है, बहुत जल्द आप व्यस्त भी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, काफी बिजी शेड्यूल में भी मैंने आज वक्त निकाला आपके लिए। हमेशा लोग मुझे पूछते हैं, आपके पास में इतनी प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस कैसे आता है, राइट? तो आज मैं दिवाली के शुभ अवसर पर, ये 5 दिन में कभी भी एक दिन आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दिवाली की शुरुआत में ही करो, धनतेरस के दिन ही करो, तो और भी अच्छा लाभदायक होता है। वरना आप दिवाली के 5 दिन में, सबसे बड़ा पर्व है धनतेरस और उसके बाद में आता है महालक्ष्मी पूजन, राइट? आप उस दिन भी ये कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ राज, वो राज जिसकी वजह से मेरे पास में अबंडेंस है, भर भराटी है, बरकत है, प्रॉस्पेरिटी है, राइट? लग्जरियस, कंफर्टेबल, सेटिस्फाइड लाइफ है। मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो हम लोग बनाने वाले हैं कुछ जार्स, ओके? आप जार बना सकते हैं, राइट? ऐसे कांच के जार में आप प्रॉस्पेरिटी जार बना सकते हैं, सक्सेस और अबंडेंस जार बना सकते हैं, या आप स्टील की एक छोटी सी पेटी भी ले सकते हैं, उसमें भी आप बना सकते हैं, राइट? या छोटी छोटी डब्बियां ले सकते हैं, उसमें भी आप बना सकते हैं, राइट? लेकिन हम लोग है ना मॉडर्न नेम दे देते हैं, राइट? प्रॉस्पेरिटी जार, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी जार बनाएंगे हम लोग। आपको आज है ना खरीदी करनी है, आज धनतेरस है, राइट? सबसे पहले मेरा थोड़ा वीडियो लेट हो गया, आई एम वेरी सॉरी अबाउट यू अबाउट इट, राइट? दिवाली ये त्योहार होता है घरदार का, स्वच्छता अभियान फिर कलर्स एंड डेकोरेशन का। दिवाली पर हम लोग डोर पूजा करते हैं, दरवाजे की पूजा करते हैं, राइट? ये आप भूलिए मत, आज आपको डोर की पूजा करनी है। दिवाली के पूरे 5 दिन आपको डोर की पूजा करनी है, दरवाजे की पूजा करनी है, राइट? दरवाजे को अच्छे से कलर करके, धो के, साफ करके, तोरण लगा के, दरवाजे के सामने रंगोलियां, रंग बिरंगी रंगोलियां निकाल कर, रंगोली भी बहुत एक खास, मैं आपको पिक्चर बता रही हूँ, आप वो पिक्चर अष्टदल रंगोली निकालिए। मैं सिर्फ अष्टदल रंगोली निकालती हूँ, राइट? अष्टदल के एक बाजू में ओम लिखिए, दूसरे बाजू में स्वस्तिक बनाइए और नीचे शुभ लाभ लिखिए और अष्टदल बनाइए, और इस अष्टदल को कलरफुल रंग बिरंगी कलर आर्ट डिफरेंट कलर से उसे डेकोरेट कीजिए। अष्टदल ये महालक्ष्मी का सबसे प्रिय रंगोली है, मैं आज आपको बताने वाली हूँ, राइट? तो सबसे पहले स्वच्छता अभियान हो गई होगी, कलर हो गया होगा, डेकोरेशन हो गया होगा, राइट? तो दरवाजा पूजन है आज, ओके? तो दरवाजे पे आज धनतेरस बोलेंगे तो आपको 13 दिया घर में और 13 दिया बाहर जलाना है, राइट? तो इन 13 दिए, यानी 13 + 13 26 दिए हो गए, राइट? तो इन 13 दिए में से एक दिया प्योर घी का होगा, सारे भगवान के लिए, ओके? एक दिया राई के तेल का होगा, राइट? हमारे क्या बोलते हैं यम यम दीपदान के लिए, ओके?
नेगेटिविटी दूर रखने के लिए, राइट। फिर दूसरे दो दिए आप जलाएंगे कोकोनट ऑयल से हमारे गुरुजनों के लिए, राइट। और बाकी के दिए मीठा तेल से आप जला सकते हैं, राइट। तो 13 दिया आपको घर में जलाना है, राइट, और 13 दिया दरवाजे के बाहर जलाना है धनतेरस पर, राइट। फिर काली चौदस पे 14 दिए जलाने हैं, राइट, बाहर 14 और अंदर 14, राइट। इस तरह से एक एक दिए बढ़ते जाएंगे सारे दिवाली तक, ओके। इसीलिए इसे कहते हैं दीपावली, राइट। तो एक दिया आपको जलाना है प्योर घी का, राइट, 13 में से बाहर के 13 में से एक दिया प्योर घी का, और घर के 13 में से घर के अंदर जलाने वाले 13 दिए में से एक दिया प्योर घी का, एक दिया राय के तेल का, राइट, अंदर भी बाहर भी एक एक दिए। फिर दो दिए कोकोनट ऑयल के हमारे गुरुजनों के लिए, राइट, राइट। हमारे गुरु गुरु जैसे देव गुरु थे, राइट, दैत्य गुरु थे, कोरोना के आगे जो हम लोग लाइव लीड कर रहे थे ना, वो शुक्राचार्य गुरुदेव का था, राइट, किसी दिन बताएंगे। तो और बाकी के सारे दिए, बाकी के 9 दिए अंदर भी और बाहर भी आप सेंगदाने के तेल के जला सकते हैं, राइट। आज दरवाजे पे आपको दिए जलाने हैं, रंगोली निकालनी है, दरवाजे पे तोरण लगाना है, हल्दी कुंकू लगानी है, और है ना माता के पद चरण चरण पादुका आपको लगाने हैं। जैसे कि माता अंदर आ रही है, बाहर की तरफ नहीं लगाना है, अंदर आ रही है ऐसे आपको लगाना है, ओके। और दरवाजे की पूजा करनी है और पूरा लाम लेट हो जाना है दरवाजे के सामने, अपना मत्था टेकना है दरवाजे के सामने और दरवाजे से कहना है, डोर से कहना है, हे प्रभु, हे माता, तेरे अंदर जब कोई भी आए, कुछ भी आए, खुश खबर आए, अच्छी खबर आए, आनंद आए, सुखमय आए, इस दरवाजे से अंदर कोई भी बुरी खबर ना जाए, कोई भी बुरी चीज ना जाए, इसलिए हम लोग दरवाजा पूछते हैं, राइट। महालक्ष्मी की बड़ी बहन है अवदसा, राइट, जो किरकिर करती है। अगर आपका दरवाजा गंदा रहा, राइट, और बदबूदार रहा, आपके घर में से बदबू आ रही है, आपका दरवाजा गंदा है, आपका घर आंगन गंदा है, तो दरवाजे पर आकर अवदसा खड़ी रहती है जो किरकिर किटकिट लगाती है आपके घर पर। और अगर वो स्वच्छ खुशबूदार रहा, अगरबत्ती से जलता हुआ, धूप से जलता हुआ खुशबूदार रहा, तो अवदसा हमारे घर में आती नहीं, वो भाग जाती है। और फिर दरवाजे पे लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी बोलती वाह वाह कितनी खुशबू आ रही है, कितना आनंदमय है ये घर, कितना स्वच्छता है ये घर, और फिर लक्ष्मी हमारे घर के अंदर आती है। इसलिए घर का दरवाजा नीट एंड क्लीन एंड डेकोरेटिव ब्यूटीफुल होना चाहिए है, और घर के अंदर से, ऑफिस के अंदर से खुशबू ही खुशबू आनी चाहिए है, राइट। तो धनतेरस पर अभी हमें दीपावली से पहला हमारा हुआ स्वच्छता अभियान, राइट, अभी सेकंड नंबर पे हमारी शॉपिंग होगी। आज आपको धनतेरस के दिन आपको झाड़ू लेकर आनी है। झाड़ू ये चिन्ह है हमारे महालक्ष्मी का, और झाड़ू छुपके से लेकर आनी है, छुपके छुपा के लेकर आनी है, राइट। दो झाड़ू अपने घर के लिए रखिए, और एक झाड़ू किसी मंदिर में दे दीजिएगा, राइट, छोड़ दीजिएगा, राइट, किसी के हाथ में दीजिएगा मत, किसी मंदिर में दे दीजिएगा। और दूसरी दो झाड़ू आप किसी विद्यालय या कहीं पर भी जिसको यूज होने वाली हो, राइट, आप मंदिर में ही 3 झाड़ू दे सकते हैं, राइट, और 2 झाड़ू आप अपने घर में लेकर आइएगा। लेकिन प्रथा यह है कि 5 झाड़ू खरीदनी चाहिए है, राइट, और 3 झाड़ू हमें दे देनी है, राइट, मंदिर में दान करनी है या विद्यालय में दान करनी है
या किसी हॉस्पिटल में दान करनी है, लेकिन ऐसे बोल के नहीं करनी है, छोड़ देनी है, राइट, किसी को पता ना चले। उसके बाद में आपको मैंने रंगोली का तो बता दिया, आपको रंगोली और दीपक का मैंने बता दिया, राइट। उसके बाद में आपको आपके घर में लेकर आना है ऐसे कुछ जार्स आप ले सकते हैं, राइट, और मैं लिस्ट देती हूँ, आप फटाफट वो सारी चीजें लेकर आके इसमें भर के अबंडेंस जार, सक्सेस एंड विक्ट्री जार, लग्जरियस एंड प्रॉस्पेरिटी जार आज बना के, ये जार जहाँ कहीं पर भी होगा वहां पर पैसे की, सुख शांति की, आनंद की कोई कमी नहीं होगी, राइट। आप इस तरह से छोटा सा बॉटल भी ले सकते हैं, डिब्बी भी ले सकते हैं, राइट। नंबर वन आपको प्रॉस्पेरिटी जार बनाना है, राइट, ये एक ऐसी छोटी सी डिब्बी लीजिए और इसे आप पवित्र कर सकते हैं, स्मज कर सकते हैं, राइट, धूप से या अगरबत्ती से, राइट, ताकि इसके अंदर की सारी नेगेटिविटी चली जाए, राइट। और इस जार के अंदर आप क्या डालेंगे, ये डिब्बी भर के आप नाग केसर डालेंगे, नाग केसर, राइट। आप बार बार बोलते हैं ना तुम्हारे पास में इतने पैसे कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, अभी लो मैं आपको भी पैसे वाला बना देती हूँ, राइट। तो इसमें नाग केसर डालिए और नाग केसर के ऊपर मध डालिए, ओके, और ये डिब्बी ऐसी बंद कीजिए और अपने वस्तु में रख दीजिए, भगवान के दीवारे में रखिए, कबर्ड में रखिए, तिजोरी में रखिए, ऑफिस में रखिए, जहां कहीं भी नाग से नाग केसर और मध मिक्स किएला डिब्बी होगी वहां आनंद ही आनंद होगा, सेटिस्फेक्शन, जॉय, प्रोस्पेरिटी, मनी 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 की बारिश होगी। अगले साल मुझे जरूर बताना मैंने जो बोला था वो हुआ या नहीं हुआ, ओके। ये जार है प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का, राइट, पैसे का, सक्सेस का, विक्ट्री का, ओके, लग्जरियस आनंद भाई सेटिस्फाइड लाइफ का। ना केसर उसमें ऊपर से डाला है आपने हनी मत, ओके। फिर ऐसी ही एक छोटी सी डिब्बी ले लीजिएगा, राइट, इस डिब्बी को वापस आप इसकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए स्मज कीजिए अगरबत्ती से या धूप से, राइट। पहले तो अच्छे से साफ सुथरा धोया है आपने, राइट। अगर ये डिब्बी बहुत बड़ी आपको लग रही है तो ऐसी छोटी छोटी डिब्बियां भी मिलती है बाहर मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा बड़ा करके रखिए, राइट। उसके बाद में अभी सेकंड जार हम लोग बना रहे हैं या सेकंड डिब्बी हम लोग बना रहे हैं, राइट। इसके अंदर आप डालेंगे पहले कॉइन्स, राइट, कुछ सिक्के, राइट, 10 रुपए के 5 रुपए के 2 रुपए के जो भी 10 रुपए के डाल दीजिए, कुछ सिक्के डालिए। फिर उसके ऊपर डालिए आप हरी मूंग, मूंग दाल मिलती है ना हरे रंग की पूरी छिलके वाली फुल, राइट, अक्की आधी नहीं, अक्की मूंग की दाल डालिए, ओके। उसके ऊपर वापस आपके पास में अगर क्रिस्टल है, राइट, तो डालिए, नहीं है क्रिस्टल तो नो प्रॉब्लम, पैसे के लिए ग्रीन एवेंचुरियन, राइट, मैं क्रिस्टल थेरेपी पे आऊंगी तभी आपको बताऊंगी, ग्रीन एवेंचुरियन है पैसे के लिए, सिट्रीन है, पायराइट है, राइट। अगर आपके पास में कोई क्रिस्टल है छोटा सा तो आप वो क्रिस्टल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ मूंग दाल और पैसे के सिक्के, और भी पैसे के सिक्के डाल के उसको बंद करके आप अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए, आप अपने गले में रख दीजिए, राइट। आपको अगर कभी लगा कि थोड़ा सा चींटी लगी है मूंग दाल में तो फिर आप है ना उसे चेंज कर दीजिएगा, राइट, दूसरा बना के दूसरा आप रख सकते हैं, हर फ्राइडे को आप ये कर सकते हैं, थैंक यू। हमारे पास में आपको जैसे मैंने कहा कि मुझे तीनों माताओं का वरदान है, आशीर्वाद है, राइट, दुर्गा माता की मुझे हिम्मत है। आज ही मुझे किसी ने सिंगम कहा कि है ना आप तो हमारी लेडी सिंगम हो करके कहा है, बहुत बड़े इंसान ने मुझे कहा, राइट। तो दुर्गा माता की हिम्मत का आशीर्वाद होना चाहिए है,
लक्ष्मी माता का पैसा होना चाहिए है और सरस्वती माता की बुद्धि होनी चाहिए है। इसलिए मैं मंत्र करते रहती हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडविचे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडविचे नमः। तीनों माता मेरे पे प्रसन्न है और तीनों माता जिस पे प्रसन्न है उसकी विजय ही विजय होते रहती है, राइट। उसी तरह से लक्ष्मी माता, जैसे नव दुर्गा माता के नौ रूप है, वैसे लक्ष्मी माता के आठ रूप है, राइट। अष्ट लक्ष्मी इसे कहते हैं। तो अष्ट लक्ष्मी आदि आदि लक्ष्मी स्वरूप होती है, राइट। फिर यही अष्ट लक्ष्मी आदि स्वरूप की धनलक्ष्मी होती है, राइट। धान्य लक्ष्मी होती है, जिसके घर में धन की कमी नहीं होती है, जिसके घर में धान्य की अनाज की कमी नहीं होती है, राइट। वाहन गाड़ी की कमी नहीं होती है, गाड़ियां होती है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर संतान होते हैं, राइट। धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, फिर वीर लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, वीर लक्ष्मी, जय विजय लक्ष्मी, राइट। विद्या लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, जैसे कि ऐसे आठ अगर आपको ब्लेसिंग्स है लक्ष्मी माता की, तो क्या कहने हैं, वाह वाह क्या जीवन है, राइट। तो सेकंड नंबर पे हम लोग ने शॉपिंग किया धनतेरस के ऊपर। अभी शॉपिंग में क्या क्या चीजें हमें डालनी चाहिए है, लेनी चाहिए है, जिसकी वजह से हम या तो प्रॉस्पेरिटी बॉक्स बनाएंगे, राइट। इस तरह से आपको बॉक्स मार्केट में मिलता है स्टील का, आप इस तरह से बॉक्स बनाइए या जार बनाइए, प्रॉस्पेरिटी जार। और ये जार है ना, आप अपने किचन में, हॉल रूम में कहीं भी छोड़ दीजिए फॉर इयर्स टू गो ऑन, राइट। आप नेक्स्ट दिवाली पे इसे चेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए है, पेन और पेपर लेके बैठिए, राइट। क्योंकि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, वरना आपको ये खुद करना पड़ेगा, राइट। 21 कौड़ी ले लीजिएगा, आप अपने हाइपत से ले सकते हैं, 7 कौड़िया या 11 कौड़िया या 21 कौड़िया, 51 कौड़िया, राइट। आप इस बॉटल में डालिए, इस बॉटल को भी पहले अगरबत्ती से या धूप से स्मर्ज कर दीजिएगा, ताकि इसमें से नेगेटिविटी चली जाएगी, इसके ढक्कन को भी, राइट। और फिर इसमें आपके हल्फत के हिसाब से आप 21 कौड़ी या 11 कौड़ी, 51 कौड़ी, 101 कौड़ी इसके अंदर डाल दीजिएगा, राइट। उसके बाद में उसी तरह से गोमती चक्र 21, 11, 7, राइट, 5, 100, जितना आपकी हिम्मत है, आपको मिलता है, आप उतनी कौड़ियाँ इसमें डाल दीजिए, कौड़ी, गौमती चक्र, राइट। फिर आपको बाहर मार्केट में रेड गुंजा मिलता है, मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा, रेड गुंजा, आप रेड गुंजा भी 21, 11, 5, 2, 3 जितना मिलता है आप उसमें डाल सकते हैं, रेड गुंजा, वाइट गुंजा, सफेद गुंजा, ओके, ब्लैक गुंजा, ग्रीन गुंजा, राइट। आपके जैसा अवेलेबल है वैसा आप डाल सकते हैं, ओके। तो आप चार टाइप का गुंजा मिलता है बाहर मार्केट में, रेड गुंजा, वाइट गुंजा, ब्लैक गुंजा, ग्रीन गुंजा, आप अपने हैफत के हिसाब से उस प्रमाण में उसमें डाल दीजिए। ग्रीन गुंजा बहुत ही रेयर मिलता है, मिलता भी नहीं है, अगर नहीं भी मिला तो भी चलेगा, लेकिन मिला तो सोने पे सुहागा हो गया, राइट। मेरे पास है सारी लक्ष्मी कारक और जीत विजय कारक सारी चीजें मेरे पास है, क्योंकि मैं आई बिलीव इन, मैं दूसरे का बुरा करने में समय डालने से पहले मैं डालती नहीं हूँ दूसरे का बुरा करने में समय, अपना अच्छा करके लेने में मैं समय डालती हूँ, राइट। और इसमें आप गुंजा डाल दीजिएगा, राइट। फिर हकीक पत्थर मिलता है, इट्स समथिंग लाइक क्रिस्टल, राइट। क्रिस्टल कुछ अलग है और प्रेशियस स्टोन्स जो सोनार के दुकान में मिलते हैं वो कुछ अलग है। ये जो हकीक पत्थर है आपको हमारे दरगाहों के बाहर फकीर बाबा लोग बेचते हैं ना, उनके पास मिलता है, लेकिन पूजा के दुकान में भी मिल जाता है, राइट। आप वहां से ले सकते हैं, हकीक पत्थर भी आपको 11,
51, 101, 7 आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हकीक पत्थर, उसी तरह काली हल्दी, मैंने वीडियो बनाया है आप देख लीजिए, ऑनलाइन में भी मिलता है नहीं तो पूजा की दुकान में आपको काली हल्दी मिल जाएगी। काली हल्दी, फिर पीली हल्दी, राइट, एक दो गांठ पीली हल्दी का, काली हल्दी का इसमें डाल दीजिए। फिर मोती शंख आपको पूजा की दुकान में मिल जाता है नहीं तो ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन दिवाली के 5 दिन के अंदर आपको ये जार बनाना है, राइट, आज बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो लक्ष्मी पूजन के दिन भी बनाओगे तो भी चलेगा, राइट। फिर काली हल्दी, फिर मोती शंख, राइट, इसमें डाल दीजिएगा। श्वेताहार का गणपति, राइट, ऑनलाइन पे मिलता है, मैंने वीडियो बनाया है श्वेताहार का, आप देख सकते हैं, श्वेताहार का गणपति का एक छोटी प्रतिमा इसमें डाल दीजिए। फिर एकाक्षी नारियल मिलता नहीं है, राइट, मिला तो ठीक है, नहीं भी मिला तो भी चलेगा, मिला तो सोने पे सुहागा हो गया, राइट। लघु नारियल, एकाक्षी नारियल एक मिला तो भी चलेगा क्योंकि महंगा होता है, राइट। श्वेताहार का गणपति एक मिला तो भी चलेगा क्योंकि मिलता नहीं है, दुर्लभ है, राइट। फिर लघु नारियल, ये 5, 5, 11 आपके हैसियत से और बरनी में जगह हो उतना, राइट। फिर तंत्रयुक्त नारियल, ये भी मिलता नहीं है, मिला तो बहुत ही अच्छी बात है। देन कमल गट्टे की बीज, राइट, पूजा की दुकान में मिलती है, ये भी आप है ना 7, 5, 11, 51, 101 आपके हैसियत के हिसाब से आप डालिए, कितना पैसा चाहिए आपको उतना डालिए। देन पारद, राइट, पारद की कोई भी प्रतिमा, लक्ष्मी की प्रतिमा मिलती है, गणपति की प्रतिमा मिलती है, आप पूजा के दुकान से लेकर आ सकते हैं, राइट, या सोनार के दुकान में वगैरह आपको पारद मिल सकता है। देन दक्षिणावर्त नारियल, शंख, दक्षिण मुखी शंख मिलता है, राइट, वो भी है ना बहुत शुभ कारक रहता है, शंख इसमें नहीं जाएगा, उसे आप बाजू में रख सकते हैं, राइट। देन ये दक्षिणावर्त शंख, इस तरह से आपको ये एक जार बना के रख देना है, ओके। आप हॉल रूम में रखिए, बेडरूम में रखिए, बेडरूम में मत रखिए, आपके तिजोरी में कबर्ड में रख दीजिए, तिजोरी में रख दीजिए या किचन में रख दीजिए, राइट, ये जहां पर भी रहेगा ये सारी चीजें आपके पास में पैसे की कमी नहीं होगी, सुख शांति अबंडेंस की कमी नहीं होगी। उसी तरह से अभी और एक जार आपको बनाना है, राइट, ये जो मैं जार्स आपको बता रही हूँ ना, ये है सक्सेस अबंडेंस जार, राइट, विक्ट्री जार, प्रोस्पेरिटी जार, जार है तो आप जार बोलिए, और ऐसी पेटी होगी तो आप पेटी बोलिए, आप कपड़े में भी बांध के रख सकते हैं उसको, पोटली बोलिए, राइट। एक ऐसी जार लीजिए, इस जार में चक्री फूल के ऊपर मैं खास वीडियो बनाने वाली हूँ, राइट, सारी बाधा, जितनी भी बाधा होती है ना सब हटा देता है, करनी बाधा वगैरह सब हटा देता है चक्री फूल आपके हैसियत से, 5, 11, 51 या 101, राइट, चक्री फूल मसाला है ये, हाँ आप चेक कीजिए, ये आपको मसाले की दुकान में मिलेगा। दालचीनी की लकड़ियाँ, वो भी आपके हिसाब से आप डालिए। धनिया, अक्खा धनिया चाहिए है, राइट, वो भी आप इसमें एक मुट्ठी भर के डाल दीजिए। देन जायफल, वो भी आप नग ले लीजिए, 1, 2, 5, 11 जितना आपकी हैसियत उसमें है। जायफल, तेज पत्ता, राइट, वो भी आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कोई रूल्स नहीं है इसको, थोड़ा सा तेज पत्ता 4, 5 या 6, 7। फिर लवंग आपके हिसाब से ले लीजिए, राइट, 2 नग, और अक्खा फूल होना चाहिए लवंग का, ओके, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए लवंग। फिर ग्रीन इलायची, राइट, मसाला इलायची 4-5, ग्रीन इलायची अपने हिसाब से ले लीजिए। कड़ी पत्ता, राइट, फिर काला मिरी के दाने जो होते हैं, काला मिरी लीजिए, राइट। तो इस तरह से ये मसाले की जार बना के आप अपने किचन में रख दीजिए।
राइट, धन धान्य की आपके घर में कभी कोई भी कमी नहीं होगी। और आज अगर आप धनतेरस पे करते हैं, राइट, पूजा पाठ करते हैं तो अति उत्तम। अच्छा, इसी इसमें भी आप है ना हरी मूंग की दाल डाल सकते हैं, राइट, हरी मूंग की दाल, यानी धान्य, हमारे घर में धान्य कभी भी कम नहीं होगा, राइट। इस तरह से आप ये एक जार बना के रख सकते हैं।